स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग डीप वाटर जो अम्कलेशन है, जिसका मैंने कल आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था, उसके शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। टोटल इसमें 14 शॉर्ट आंसर हैं, जिसमें मैंने आज के पार्ट में 1 से लेकर 7 तक इसे रखा है। कल मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें आपको 8 से लेकर 14 तक पूरा उसका शॉर्ट आंसर मिल जाएगा। आई होप एंड आई विश कि जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी, बता रहा हूँ वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। आप अपनी नोट्स बना रहे होंगे और बढ़िया सी नोट्स बनाए, जिससे आप भी उसको पढ़ें और आपके छोटे भाई बहन जो इस बार 10th में है या 11th में है, वो 12th में जाए, तो आपकी नोट्स को पढ़ें। तो फिर शुरुआत कीजिए अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते भाई कि वेयर वॉज द पूल, वो पूल कहां था जहां पर डगलस नहाने स्विमिंग करने के लिए गया था। वॉट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और वो जो पूल था उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी या क्या वहां पर किया जा सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है, वो पूल कहां था आपको बताया कि द पूल वॉज एट द YMCA इन याकिमा, यानी याकिमा में YMCA नाम का एक पूल था। इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग, और ये क्लियर हो ही जाता है कि अगर आप पूल की बात करते हैं तो उसमें लोग स्विमिंग सीखने ही जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं और तो कुछ करने जाते नहीं, और अगर कुछ और करने जाते होंगे तो भाई उनकी इच्छा हम कर क्या सकते हैं। भाई सब मुंह माया है भाई, कहां कहां तक ध्यान देंगे, लेकिन यही ध्यान देना है कि वो अपॉर्चुनिटीज क्या थी, अपॉर्चुनिटी थी स्विमिंग की, यानी वहां पर स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी अवसर मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ, यानी जो डगलस के दिल में किस चीज का भय था, कैसा भय था, या क्या उसके साथ हुआ था कि वो हमेशा पानी से डरने लगा, या पानी के पास तक नहीं जाता था, फिशिंग नहीं करता था, स्विमिंग करने से डरता था, बहुत सारी चीजें, किस चीज का उसके अंदर भय था, टेरर था। तो यहां पर आंसर हमारा है कि द वॉटर वेव्स विच नॉक डाउन यंग डगलस एंड स्विफ्ट ओवर हिम एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया फिल्ड हिम विद फियर। जब ये छोटा था तो अपने फादर के साथ ये एक बार सर्फिंग करने जा रहा था, और जब ये सर्फिंग करने जा रहा था तो ये लहरों के बीच में फंस गया और लहरों ने इसे डुबा दिया। जब ये डुबा दिया या एक ऐसा झटका मारा कि ये बाहर आ गया, यानी जो बीच होता है जहां पर किनारा होता है समुद्र का, वहां पर लहरों ने इसे बाहर फेंक दिया, और ये बहुत ज्यादा डर गया था, इसको लगा कि मैं मर जाऊंगा। इस वजह से यही भय ये बचपन से लेकर अब तक, यानी 18 साल के होने तक इसके मन में वही भय था, और ये इसी वजह से पानी से डरता था। जबकि इसके फादर थे वो वहां पर हंस रहे थे, इसे समझा नहीं रहे थे, ये उसके फादर की भी गलती है। उसके मदर भी हमेशा उसको डराती थी कि पानी में लोग डूब जाते हैं, या जो याकिमा है या जो भी बीच है या जो पूल है वहां पर ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, ये सारी बातें, इसी चीज का उसके अंदर भय था। ही वॉज ब्यूरिड अंडर वॉटर, हिज ब्रीथ वॉज गॉन, ही वॉज फाइटेंड, और वो लगभग पानी में एकदम डूब गया था और उसकी सांसें रुक चुकी थी और वो बहुत ज्यादा डर गया था, यानी उसकी सांसें रुक रही थी, वो बहुत ज्यादा डर गया था अपने आप को। जैसे आप जानते होंगे जब कोई पानी में डूबता है तो कितना सफोकेशन होता है, एकदम घुटन सी होती है और आदमी के लंग्स में पानी चला जाता है और वो मर जाता है, क्योंकि लंग्स में पानी गया तो वो सांस लेने लायक नहीं रहता। सो दैट्स व्हाई ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि व्हाट डिड बिग ब्रूजर ऑफ बॉय एट द पूल, व्हाट व्हाई, जो एक वहां पर एक लड़के का भाई आया था, उसने डगलस के साथ क्या किया और क्यों किया, ये दोनों क्वेश्चन है कि क्या किया और क्यों किया। तो देखिए, द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, ब्रूजर मीन्स होता है बड़ा भाई, ये कह सकते हैं कि एक लड़के का बड़ा भाई आया, हु हैड पिक्ड अप डगलस एंड थ्रो हिम इनटू वाटर, जिसने क्या किया था, उसे उठाकर पानी में फेंक दिया था, और जब वो पानी में गया तो वो डूबने लगा था, बट डगलस वॉज रेस्क्यूड, लेकिन डगलस को बचा लिया गया, नहीं मरने दिया गया, क्योंकि पूल था, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो लगातार बार बार छटपटा रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, इवन वो टाइल्स जो लगी थी उसमें से वो निकलने की कोशिश कर रहा था, अपने पैरों को पुल कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, फिर भी उसे बचा लिया गया। द बॉय सेड, लेकिन लड़के ने कहा कि आई वॉज पुलिंग, मैं मजाक कर रहा था, मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मैं केवल मजाक करने के उद्देश्य से मैंने इसको उठाकर उसमें फेंका था। क्योंकि आपको भी याद है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताते समय मैंने आपको बताया था कि ये सीखने के उद्देश्य से ये पूल में जाता है और वहां पर ये पहले पहुंच जाता है और ये बैठा रहता है कि कोई आएगा तभी मैं पानी में उतरूंगा, अदरवाइज नहीं उतरूंगा। जब 2-4 लोग आ जाते हैं उसी में से एक लड़का आता है और उसको उठाकर फेंक देता है पानी में, और वहां पर इसको फिर बचाया जाता है, और यही उसको डर था। जबकि
वो लड़के ने कहा जिसने उसे फेंका था, उसने कहा मैं मजाक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कि हाउ डीप वॉज द पूल, वॉट वॉज देयर इन साइड द वॉटर, वो जो पूल था जहां पर वो तैरने के लिए गया था वो कितना गहरा था, और उस पूल के अंदर या जो पानी के अंदर की जो कहा मतलब पानी के अंदर का सीन कैसा था, पानी के अंदर उसे क्या दिख रहा था वो, या यहाँ पर राइटर कह रहा है कि पानी के अंदर ये चीजें दिख रही, तो वो क्या चीजें हैं इसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर देखते हैं। तो चलिए आंसर नंबर हम अपना फोर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर आपको बताया मैंने कि वो पानी कितना गहरा था, उसके अंदर क्या था। तो देखिए यहाँ पर है कि द पूल वॉज टू और थ्री फीट डीप इन द फर्स्ट कॉर्नर, यानी पहले शुरुआती जैसे उस पर जाएंगे तो करीब दो से तीन फीट तक गहरा था, एंड इन द मिडिल, लेकिन बीच में इट वॉज डीप ऑलमोस्ट नाइन फीट, लेकिन बीच में लगभग वो नौ फीट का था। देयर वॉज द टाइल्ड बॉटम, और जो उसका जो बॉटम था यानी जो उसकी सतह थी वो टाइल्स जैसे दिख रही थी, व्हाइट एंड क्लियर एज बाथटब, जैसे बाथटब होता है एकदम सफेद होता है और एकदम क्लियर होता है, उसी तरह से उसकी जो टाइल्स थी वो जिसके अंदर का जो नजारा था वो ऐसा था। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा कि व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, जो जब वो कूदने जब वो जब उसे फेंक दिया गया पूल में तो उसके जो पैर थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और उसने उस सिचुएशन से यानी वो पानी के अंदर डूब रहा था तो उसने कैसे बाहर आने की कोशिश की, कैसे उसने संभाला। तो द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल हंग एज डेड वेट, उसका जो पैर था एकदम वो जैसे लुंज, आपको आपने पढ़ा होगा वर्ड लुंज, यानी एकदम पैरालाइज हो जाना, यानी उसके पैरों में जान ही नहीं रहेगी, एकदम वो एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम उसमें कोई जान नहीं, कोई लाइफ नहीं रहेगी उसके पैरों में, पैरालाइज्ड एंड ब्रिजिट, एकदम ठंडा पड़ गया था उसका पैर। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग हिम अंडर, और बार बार उसे वो पानी अपनी ओर अंदर की ओर खींच रहा था। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, बट ओनली वॉटर हियर हिम, वो चिल्लाया पानी के अंदर लेकिन उसे सुना कौन, बाहर तो कोई सुन नहीं पाया क्योंकि बाहर आवाज आती नहीं, तो वो केवल पानी ही उसको सुन रहा था, यानी जो वाटर था वही उसको सुन पा रहा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कि व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इफेक्ट ऑन हिम, किस चीज का उसे ज्यादा डर था और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो सीर स्टार्क टेरर सीज डगलस, सीर स्टार्क टेरर क्या होता है इसको देखते हैं क्या, कि दैट टेरर ये एक ऐसा टेरर है वेयर अंडरस्टैंडिंग डज नॉट वर्क, जहां पर समझ खत्म हो जाती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ये एक ऐसा डर है जहां पर इंसान को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, और ये एक ऐसा डर है जिसको अगर किसी ने कभी सामना नहीं किया तो वो कभी समझ नहीं सकता, उसी को सीर स्टार्क कहते हैं। इट इफेक्ट वॉज दैट ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वॉटर, और इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो अंदर ही पैरालाइज हो गया, उसका पैर वैर काम करना बंद कर दिया, एकदम मरने की ओर आगे बढ़ने लगा, उसको पूरा पानी पीला दिखाई देने लगा, क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है ब्लू दिखता है लेकिन पीला दिखाई दे, वो एकदम मरने उसकी शरीर एकदम मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं जो लास्ट है पार्ट वन का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वॉटर टू सेव हिज लाइफ, यानी उसने अपने आप को पानी में बचाने के लिए क्या किया। तो वहां पर क्या कि टू सेव हिज लाइफ इनसाइड द वॉटर डगलस, वॉटर के अंदर डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए, तो फॉर जंप एट हिट द बॉटम, उसने क्या किया कि उसने सोचा कि नीचे कहीं ना कहीं जमीन है और मैं जमीन पर जाऊं और वहां से अपने आप को पुल करूं, पैरों के सहारे मैं अपने आप को पुल करके ऊपर आऊं, जिससे एट लास्ट ही फेल्ट टाइल्स अंडर द वॉटर, उसे लास्ट में क्या मिला मतलब उसने सोचना शुरू किया तो उसे टाइल्स दिखाई थी, उसने टाइल्स पर अपने पैरों को जमाया और वहां से उसने पुल अपने आप को करने की कोशिश की। हिज टो टोज यानी जो एड़ी होती है जो एकदम किनारा होता है यहाँ पर अंगूठे के पास कह सकते हैं, रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और उसने पूरी तरह से वहां पर अपने पैरों को जमाया उस टाइल्स पे। ही जंप्ड विद एवरीथिंग ही हैड, उसके जितने पास उसके अंदर जितनी ताकत थी उसने क्या किया ऊपर आने की कोशिश की, एंड ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और वो बाहर आकर जैसे उसका थोड़ा सा चेहरा बाहर आया उसने क्या किया हेल्प करने के लिए, या वो हेल्प चिल्लाने लगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन तक, आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा, आपने क्लियर कर लिया होगा। कल मैं आपको पार्ट टू लेके आऊंगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक होगा। फिर आज के लिए इतना ही, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, थैंक यू।